नहीं तेरा सूट भी। नंबर एक, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत आपको मुफ्त आवास दिया जाता है। यह योजना वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना के नाम से शुरू की गई थी और वर्ष 2015-16 में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप BPL परिवार से हो और आपका BPL कार्ड बना हुआ है, अगर आप पात्र व्यक्ति हो तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करके पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से उचित आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो इस योजना की और अधिक जानकारी खंड एवं पंचायत विकास विभाग BDPO कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति पंचायत विभाग के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ऑनलाइन भी देख सकते हो। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आप साइट विजिट करें www.pmay-urban.gov.in और ग्रामीण क्षेत्र के लिए साइट विजिट करें pmayg.nic.in। यहां से आप योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे तो आप यहां से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। नंबर दो, मुफ्त प्लॉट आवंटन योजना। इस योजना के तहत गरीब भूमिहीन बेघर BPL परिवारों को अपना खुद का घर बनाने के लिए सरकार से 100-100 वर्ग गज के मुफ्त प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। योजना में मिलने वाले प्लॉट का आकार अलग अलग राज्यों में अलग हो सकता है और योजना का नाम भी अलग हो सकता है। जैसे हरियाणा राज्य में ये योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के नाम से है, मध्य प्रदेश में ये योजना मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार के नाम से है, विभिन्न राज्यों में योजना का नाम अलग हो सकता है। लगभग सभी राज्यों में बेघर BPL परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर मुफ्त प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। अगर आपका BPL कार्ड बना हुआ है और आपके पास अपना खुद का पक्का घर नहीं है तो आप अपने नज़दीकी CSE केंद्र से इस प्रकार की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें या फिर आप संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट या कार्यालय से इस प्रकार की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर तीन, BPL राशन योजना। BPL परिवारों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। BPL परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, BPL परिवारों में कुपोषण को कम करना और गरीबी कम करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। BPL परिवारों को भरपेट खाना मिल सके और कुपोषण कम हो, इसके लिए BPL परिवारों को BPL कार्ड पर मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाता है। BPL परिवारों को गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल आदि खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। कई राज्यों में राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है और कुछ राज्यों में 1 रुपये या 2 रुपये प्रति किलो की दर पर राशन दिया जाता है। मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप पात्र व्यक्ति हो और आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आपको अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से BPL कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना है। आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने सरकारी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हो। नंबर चार, फ्री बिजली योजना। BPL परिवारों की घरेलू बिजली खपत को पूरा करने के लिए पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है और घरेलू बिजली खपत पर सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा PM सूर्य घर योजना के तहत भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाता है। PM सूर्य घर योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का उत्पादन किया जाता है। घर की छत पर सोलर पैनल वगैरह लगाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। नंबर पाँच, स्वच्छ भारत मिशन योजना। इस योजना के तहत BPL परिवारों को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए सरकार से 12,000 से 14,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत घर में 2 गड्ढों वाला शौचालय बनवाना होता है। अगर किसी BPL परिवार के घर में शौचालय नहीं है, अगर आपके घर में शौचालय व्यवस्था नहीं है तो आप स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत आवेदन करके शौचालय बनाने के लिए सरकार से 14,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है sbm.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप योजना के बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और योजना में लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वीडियो वॉच करके आवेदन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंबर छः, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों खासकर महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, एलपीजी होज और एलपीजी बुकलेट वगैरह मुफ्त दिए जाते हैं। इस योजना में बीपीएल परिवार के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विधवाएं, एकल महिलाएं, चाय बागान श्रमिक आदि भी इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार वालों के लिए और भी कई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना में बीपीएल परिवार में बेटी की शादी करने पे सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर बीपीएल परिवार में लड़की की शादी करते हैं तो सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा राज्य में बेटी की शादी पर 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर कोई बीपीएल परिवार है, उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है और ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में 71,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, फ्री डिलीवरी की सुविधा दी जाती है, जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए सरकार से उचित आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा और भी कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे लखपति दीदी योजना। इसके अलावा बीपीएल परिवार के छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट आवंटन योजना। इसके अलावा बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अगर बीपीएल परिवार में कोई छात्र छात्रा मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको मेधावी छात्रवृत्ति दी जाती है, मेधावी छात्रवृत्ति के तहत उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार से सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। हमारा उद्देश्य है कि आपको इन योजनाओं का पूरा ज्ञान हो और आप इन सरकारी योजनाओं में लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सको। नहीं तेरा सूट भी।